अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद और उम्मीद है सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। मानसून का जो मौसम है पाकिस्तान में, खासकर लाहौर के अंदर, बल्कि पाकिस्तान इंडिया में आ चुका हुआ है मानसून का वेदर, और उसके अंदर कैट्स और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मैं आप लोगों को वो तो दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मौसम भैया आपको थोड़ा घुमा के दिखाएंगे कि इस टाइम मौसम कैसा है, और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इस मौसम की क्या ऐसी कोई ख़ास बात है कि जिसकी वजह से कैट्स को जो है मसले आते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मौसम तो बहुत अच्छा है लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर हबस बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से जो पहला मसला होता है वो ये होता है कि कैट्स को सबसे ज़्यादा फंगस का ख़तरा होता है, कैट्स को सबसे ज़्यादा फंगस लगती है। अब फंगस के अंदर जो है वो क्यों लगती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब इस मौसम के अंदर फंगस होने की सबसे बड़ी वजह है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम के अंदर। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को, मुझे भी अगर पसीना आ रहा तो मैं जितनी मर्जी हवा में बाहर भी चला जाऊँगा मेरा पसीना सूखता नहीं है। ऐसे ही जब कैट्स की बॉडी में कहीं ना कहीं से मॉइस्चर आता है वो ड्राई नहीं होता, और उसकी वजह से वहाँ पे जो है फंगस पड़ना शुरू हो जाती है। खास तौर पर जिन कैट्स के मैट्स बने होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा होती है, जिन कैट्स के बाल बहुत ज़्यादा होते हैं उनको भी फंगस जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। और इस मौसम के अंदर नॉर्मली हमने देखा कि फंगस के केसेस सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं। उसके बाद जब आप लोग अपनी कैट को नहलाते हैं, अक्सर लोग जो है उसको ब्लो ड्राई नहीं करते, लोग समझते हैं कि गर्मी है चलो खुद ही सूख जाएगी, उसको जो है बाहर छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। और सबसे ज़्यादा फंगस पैदा होने की वजह भी यही होती है, कैट्स लोग जो हैं वो कैट्स से नहलाने के बाद ड्राई नहीं करते, उसको जल्द से जल्द और प्रॉपर आप लोगों ने ड्राई करना, कहीं भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, वो भी जो है वो फंगस पैदा करेगी। और एक बिल्ली से दूसरी बिल्ली में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है, दूसरी से तीसरी में, अगर आपके घर में 10 बिल्ली हैं तो 10 को भी चांसेस होते हैं कि 1 से 10 में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। और उसके बाद भी इंसानों में भी जो है फंगस जो है स्किन डिजीज़ जो है वो कैट से ट्रांसफ़र हो सकती है, खासतौर पर बच्चों के अंदर जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और कोशिश करें अगर आप लोगों के पास फंगस वाली बिल्ली है कोई और वो प्रेग्नेंट है तो उसकी बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा, जब बच्चे होंगे तो काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि उन बच्चों को भी जो है वो फंगस लग जाएगी, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। उसके बाद जो दूसरी जो चीज़ इफेक्ट करती है कैट्स को वो है, कैट्स को अक्सर नमूनिया हो जाता है बरसात के मौसम में, वो भी ह्यूमिडिटी की वजह से ही होता है, इसके अंदर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है इस वेदर के अंदर, उसकी वजह से जब कैट सांस लेती हैं लंग्स में भी अक्सर जो है वो पानी पड़ना शुरू होता है। इस तरह के इस कई रीज़न होते हैं जो नमूनिया को जो है पैदा करते हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी उनमें से एक रीज़न है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की कैट को स्नीजिंग हो रही है, नज़ला हो रहा है किसी भी किस्म का, या सांस लेने में मसला हो रहा है, तो फ़ौरन जो है वो अपने डॉक्टर को दिखाएं। इस मौसम के अंदर आप लोगों ने इस चीज़ का बिल्कुल भी जो है वो रिस्क नहीं लेना। अब आप लोगों में से कई लोग पूछेंगे कि यार फंगस का तो बता दिया, फंगस का हल क्या है, फंगस के क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है। मैंने पहले इसके ऊपर 2 से 3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं यहाँ भी लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग वो जाकर प्लेलिस्ट देखें, उसमें डिटेल में मैंने फंगस के बारे में, फंगस की एक एक चीज़ के बारे में बताया, उसके कई सारी जो है मैंने ट्रीटमेंट के बारे में बताया, वो भी आप लोग जाके दे सकते हैं। इस मौसम में अपनी कैट्स का जो है ख़ास ख्याल रखें, ब्लो ड्राई नहलाने के बाद लाजमी किया करें। और एक चीज़ तकरीबन यहाँ से 5 से 6 दिन रह गए ईद तक जो है वो सेल है हमारे यहाँ पर, और जितनी भी एसेसरीज़ या फूड को छोड़ के सबके ऊपर सेल है, और मैसिव किस्म की सेल है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिन्होंने भी तक फ़ायदा नहीं उठाया फ़ायदा उठा लें, सिर्फ 3 से 4 दिन रह गए हैं। और लाजमी विज़िट करें हमारे जोहर टाउन वाली ब्रांच को भी, और एमए कॉलेज के पास ब्रांच है वहाँ भी लाजमी विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।